नमस्कार, कैसे हैं? वैसे कैसे हैं ये पूछने से अच्छा है कि ये पूछा जाए कि कैसा सोच रहे हैं। अच्छा सोच रहे हैं ना, क्योंकि हमारी सोच ही तय करती है कि हम कैसे हैं। बाकी तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और वो हमारी सोच के हिसाब से ही सुलझती उलझती रहती है। ओ हाँ, सोच को लेकर एक मेरे बचपन की बात याद आती है। मम्मी बताती है कि बचपन में मैं बहुत शैतानी करता था। हर बच्चा ही करता है, वैसे ही कोई ना कोई हमेशा मेरी निगरानी करने के लिए हाजिर ही रहता था। पता नहीं कब क्या तोड़ दूं। फिर एक दिन जब शैतानी कुछ ज्यादा ही हो गई, तो एक दिन मम्मी ने मुझे पकड़ा और कहा, दीपू अगर तुम ऐसे शैतानी करोगे ना, तो फोटो देख रहे हैं ना ब्रह्मा जी की, वो हमेशा देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, और फिर पिटाई करते हैं। जो जितनी बड़ी गलती करता है, जितनी बड़ी शैतानी करता है, उसको उसकी उतनी पिटाई करते हैं। ऐसे हाथ बांध देते हैं और ऐसे लटका देते हैं, समझे? हाँ, सच कहता हूं, मैं उस दिन से डर गया था। कोई शरारत नहीं, और जब भी भूलता था मम्मी याद दिला देती, फिर शांत हो जाता था। बड़ी मुसीबत थी। लेकिन फिर एक दिन, शायद मैं उसी रूम पे लेटा था, अचानक से उसी फोटो पर नजर गई और मैं वही फोटो देख रहा था। और वो फोटो देखते देखते जाने क्या सोचकर अगले ही पल मैं बहुत खुश हो गया। पता है क्या सोचा था? जब मैंने फोटो देखा और ब्रह्मा जी की सफेद दाढ़ी देखी, तो मैंने दिमाग लगाया और इस नतीजे पर पहुंचा कि अरे, मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं है, ब्रह्मा जी तो बूढ़े हो चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 साल और जिएंगे, और क्या। और मैं तो अभी बच्चा हूं, अभी बड़ा होऊंगा, फिर बूढ़ा होऊंगा, मतलब 8 से 10 साल में ये देखने ताकने वाला पूरा डिपार्टमेंट ही खत्म हो रहा है। अरे कहाँ सोच रहा था मैं, बेकार में डर गया था। किसी को याद ही नहीं है कितने बूढ़े हो चुके हैं ब्रह्मा जी। और यही सोचकर फिर मेरा परेशान करना शुरू। सच कहता हूं, बहुत दिन बाद पता चला कि भगवान अमर होते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। बात यह समझानी थी कि एक पल जिसको लेकर मैं इतना डरा हुआ था, अगले ही पल उस पर मेरा कोई विचार आया और मैं बदल गया। मतलब सारा फर्क हमारे बाहर से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से होता है। तो क्यों ना कोशिश की जाए, पॉजिटिव सोचा जाए, अच्छा अच्छा सोचा जाए, है ना? चलिए, थैंक यू। और हाँ, भगवान की नजर से बचने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, वो सच में सब कुछ देखते रहते हैं, इसलिए मेरी वाली गलती मत करना। थैंक यू।